जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोवेव के डायग्राम के बारे में, जो वायरिंग होता है, ठीक है, कि आपका ट्रांसफार्मर से जो कनेक्शन जाता है कैपेसिटर पे, कैपेसिटर डायोड जो कनेक्ट रहता है, जो मैग्नेट कनेक्ट रहता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। क्योंकि तो ये जो कनेक्शन है बहुत जाल की तरह लगता है बहुत बार नया नया लड़के लोग को, ठीक है, जब तक वो काम नहीं करते हैं, जब तक सीखते नहीं है पूरा, जब तक उन लोगों को लगता है कि बहुत जाल बिछाया हुआ है, किस तरह से कहाँ कनेक्ट होगा। अगर गलती से भी अगर डायोड निकल गया तो डायोड को दोबारा लगाने में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायोड आखिर लगेगा कहाँ पे, कौन से पार्ट में, कैपेसिटर के कौन से टर्मिनल पे डायोड लगाएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में जो है हम लोगों को भी दिक्कत होता था, इस तरह का फेस करते थे, क्योंकि हम लोग को उस समय कोई बताने वाला नहीं था। तो हम लोग तो सीखते सीखते जो है ना, ट्रेनिंग लेते लेते जो है सीखे हैं, तब समझ में आता है कि हाँ क्या इसमें होता है, कितना ईजी है। तो स्टार्टिंग में बहुत हम लोग को भी हार्ड लगता था एकदम। अगर डायोड गलती से निकल गया या कैपेसिटर का तार निकल गया, ठीक है, कैपेसिटर हम लगा रहे हैं, तो सोच भी पड़ जाता था कि भाई कौन सा तार जो है कैपेसिटर के किधर लगेगा किधर नहीं लगेगा, बहुत दिक्कत आता था दोस्तों, ठीक है। तो लेकिन आज आपको हम बता देंगे इतना क्लियर कि आप कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा तार कहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या है कि ये आपका जो दो टर्मिनल है ट्रांसफार्मर का, आपको एक ट्रांसफार्मर भी दिखा देते हैं हम, ठीक है। ये आपका ट्रांसफार्मर है, देखिए ये ट्रांसफार्मर का जो इनपुट होता है, जो दो टर्मिनल देख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है, ये दो दो टर्मिनल है। ये आपका पीसीबी से आता है सप्लाई, पीसीबी से सप्लाई यहाँ पे आता है 220 वोल्ट। यहाँ आ गया कितना, 220 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब 220 वोल्ट आ गया, उसके बाद क्या होता है कि ये देखिए एक तार इधर से, देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप, एक तार, ये जो तार है ये तार यहाँ से निकलता है, और दूसरा जो तार है, ठीक है, मोटर के इधर से, कॉइल के इधर से निकलता है। देखिए जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसके पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये दो तार निकलता है, और दोनों तार जो है आपस में कनेक्ट रहता है यहाँ पे, किसी किसी में जो है अलग अलग देगा, ये जो जेक दिया है जेक अलग अलग रहता है, तो उसमें क्या होता है कंफ्यूजन होता है कि कौन सा जेक किधर लगेगा। तो जो दो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो दो तार होता है, ठीक है, उसको लगाना है इसमें, एक यहां बाएं साइड से या दाएं साइड से, दोनों कभी कभी एक ही साइड से निकलता है, तो ये दोनों तार को आपको मैग्नेट्रोन में लगाना है। और देखिए दिखा देते हैं आपको हम, ये आपका मैग्नेट्रोन है, ठीक है, तो क्या होता है दोनों तार निकलेगा कभी भी तो यहां से मैग्नेट्रोन पे लग जाएगा, कनेक्ट हो गया, ऐसे लगा दिए या कैसे भी लगा दीजिए, ठीक है, ये लीजिए लग गया है। अब हो गया क्या, दो सेकेंडरी वाइंडिंग था वो यहां पे कनेक्ट हो गया। अब क्या है कि इसमें से जो है एक तार निकलता है, देख लीजिए ध्यान से, दो तार निकला था वो लग गया है, एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसको जो हाई वोल्ट सप्लाई करता है ट्रांसफार्मर, ये जो पिन देख रहे हैं इस पिन से हाई वोल्ट सप्लाई होता है 2000 वोल्ट, 2000 वोल्ट। तो गलती से भी माइक्रोवेव, अगर माइक्रोवेव चालू है तो यहाँ के टच नहीं करना है, अगर टच कीजिएगा तो कोई नहीं बचाएगा फिर, क्योंकि हम लोग को 220 वोल्ट का झटका जब लगता है तो हम लोग को तो क्या क्या याद आ जाता है, यहाँ पे तो 2000 वोल्ट है तो कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। इसीलिए माइक्रोवेव बनाते समय सावधानी का ध्यान जरूर रखिएगा, कभी भी प्लग लगाकर माइक्रोवेव नहीं बनाएगा, प्लग को निकाल के माइक्रोवेव बनाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर भी हाई वोल्ट होता है, डायोड भी हाई वोल्ट होता है, कैपेसिटर भी हाई वोल्ट होता है, यहाँ सब कुछ हाई वोल्ट है, इसीलिए इजी में नहीं लेना है, केयरफुल्ली काम करना है और आराम से काम करना है, हड़बड़ी में नहीं, अगर माइक्रोवेव बना रहे हैं तो, नहीं तो हड़बड़ी का काम जो है गड़बड़ी हो जाएगा। इसीलिए चलिए यहाँ पे ये जो कनेक्शन है ये जाएगा कैपेसिटर में फ्यूज के द्वारा, देखिए यहाँ पे जो है ना फ्यूज नहीं दिया हुआ है, ये जो कोयल एक तार निकला हुआ है, ध्यान यहाँ दिखाइए आप वीडियो को, ध्यान दीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे जो है ना एक कनेक्शन जाता है कैपेसिटर पे, देखिए एक क्या हुआ कि कनेक्शन यहाँ पे चला आया है, ठीक है, ये जो आता है यहाँ से कनेक्शन क्या है कि जाएगा मैग्नेट्रोन पे, ये जो 5 वोल्ट सप्लाई दे रहा है यहाँ पे, जो यहाँ से ट्रांसफार्मर से आया है, ठीक है, तो उसी को क्या किया कि आपस में जोड़ दिया दोनों को, जोड़ के जो है यहाँ से कनेक्शन कर दिया इसके अंदर, ये हो गया। और यहाँ से जो निकलेगा, ठीक है, यहाँ से जो निकलेगा कनेक्शन, ये आपका जाएगा इस टर्मिनल पे, जो क्योंकि यहां से जो तार निकलेगा वो हमेशा अकेले रहेगा, डायोड के साथ में नहीं रहता है, ध्यान दीजिएगा आप, आपको हम दिखा देते हैं, देखिए ये डायोड जो है, जो कनेक्शन जाएगा मैग्नेट रोड में वहीं पे डायोड लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो कनेक्शन मैग्नेट रोड में जाएगा कैपेसिटर से, डायोड भी वहीं पे लगेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसको यहीं पे रोकना रहता है, बाकी जो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज सप्लाई आता है
वो आपका अकेले रहेगा हमेशा। देखिए ध्यान से, यहां पे आपको हम दिखा देते हैं, देखिए दिख रहा है आपको, जो डायोड है, डायोड जो मैग्नेट्रॉन में तार गया हुआ है उसके साथ डायोड लगता है, और जो ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज सप्लाई आता है ये वाला जो कनेक्शन है वो हमेशा अकेले रहता है। मतलब इस पिन से जो तार निकलेगा और जो यहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ पे इस पिन से जो तार निकलेगा वो क्या है कि यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है, जो लाइन जा रहा है मैग्नेट्रॉन में वहां पे डायोड कनेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि ट्रांसफार्मर से जो हाई वोल्ट निकलता है, ठीक है, वो आपका हमेशा अकेले रहेगा, और जो तार जाएगा मैग्नेट्रॉन में वहां पे डायोड का कनेक्शन होगा। अब थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दीजिए, ठीक है, वहां आपको समझा दिए हैं, अब आपको हम इस डायग्राम में समझाते हैं, ठीक है। अगर वहां क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पे आपका 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपका जो है प्राइमरी सप्लाई होता है, ठीक है, आपको दिखाए थे जो दो दो टर्मिनल होता है, देखिए ये जो टर्मिनल है दो इनपुट वोल्टेज के लिए, देखिए ये आपका एक कॉइल है, ये जो कॉइल देख रहे हैं आप, ठीक है, एक कॉइल है जो यहाँ पर है, यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई इन होता है, 220 वोल्ट सप्लाई इन हो गया। इसके बाद ये आपका सेकेंडरी कॉइल है जो आपको हम दिखा देते हैं, देखिए ये आपका सेकेंडरी कॉइल होता है, ठीक है, जो 5 वोल्ट मैग्नेट्रॉन को 5 वोल्ट सप्लाई देता है, ये आपका दूसरा कॉइल हो गया, उसमें ए वाला कॉइल है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, देखिए कनेक्शन कैसे गया है, यहाँ से कनेक्शन एक निकला है और सीधा गया है मैग्नेट, ये जो देख रहे हैं गोल सर्कल ये आपका मैग्नेट्रॉन है, तो यहाँ से एक कनेक्शन निकला है, गया है मैग्नेट्रॉन पे, और फिर दूसरा जो कनेक्शन निकला है ट्रांसफार्मर से वो भी गया है मैग्नेट्रॉन पे ही। मतलब जो आपका कॉइल दिखाए अभी आपको हम, इस कॉइल से दो तार निकलता है, दोनों तार जाता है सीधा मैग्नेट्रॉन पे, तो आपका जो सेकेंडरी कॉइल है इसका दोनों तार जाता है सीधा मैग्नेट्रॉन पे, देखिए दोनों तार निकलेगा, जाएगा दोनों मैग्नेट्रॉन पे चला गया। इसके बाद ये जो कॉइल है जो 2000 वोल्ट सप्लाई देता है, एसी 2000 वोल्ट सप्लाई देता है, उसका एक जो तार होता है यहाँ पे बॉडी में टच रहता है, देखिए यहाँ ट्रांसफार्मर का जो बॉडी होता है उसमें टच है यहाँ पे, ठीक है, टच है देख रहे हैं, और डायोड भी बॉडी में ही टच रहता है, एक कैपेसिटर पे चला गया है डायोड और एक चला गया है बॉडी में, मतलब ट्रांसफार्मर और डायोड दोनों बॉडी में टच रहता है, मतलब वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी को एक कंट्रोल करने का काम करता है डायोड आपका। तो कनेक्शन देख लीजिए, समझ लीजिए, आपका डायोड के बारे में बताए हुए हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में भी आपको हम बताए हैं, अब ये जो है डायग्राम बता रहे हैं आपको कनेक्शन कैसे होता है, तो यहाँ पे डायोड भी कनेक्ट रहता है बॉडी में और ट्रांसफार्मर भी कनेक्ट रहता है बॉडी में, तो ये हो गया आपका हाई वोल्ट ट्रांसफार्मर। तो हाई वोल्ट ट्रांसफार्मर का एक छोर तो बॉडी में चला आया है और दूसरा छोर जाता है कैपेसिटर पे, ये जो बीच में से कटिंग देख रहे हैं वो कैपेसिटर है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैपेसिटर में चला गया है एक तार, यहाँ से तार जो है कैपेसिटर में गया है, और कैपेसिटर से जो एक तार निकला है, ठीक है, जो जाता है मैग्नेट्रॉन पे, वो देखिए यहाँ पे मैग्नेट्रॉन पे आया है, यहाँ पे कनेक्ट हो गया उसी तार में, वही तार में कनेक्ट हो गया है जो इस कॉइल से निकला था, ठीक है, जो 5 वोल्ट सप्लाई देता है उसी तार में यहाँ पे ज्वाइंट हो गया है, जो मैग्नेट्रॉन से सॉरी जो कैपेसिटर से तार निकला है एक यहाँ पर, यहाँ पे डायोड से भी कनेक्ट है, दिखा देते हैं आपको हम, देखिए यहाँ पर देखिए डायोड जो है यहाँ बॉडी से कनेक्ट है और यहाँ कैपेसिटर भी कनेक्ट है, ठीक है, जो कैपेसिटर से एक तार गया है मैग्नेट्रॉन पे, देख रहे हैं यहाँ पे एक तार है गया है मैग्नेट्रॉन पे यहाँ से, और डायोड भी इससे कनेक्ट है, और ये जो है ट्रांसफार्मर से आया है लाइन एक जो गया है कैपेसिटर पे, जो अकेले है जो फ्यूज के सहारे रहता है, एक फ्यूज रहता है 10 एम्पेयर का लगा हुआ यहाँ पे, इसमें फ्यूज नहीं दिया हुआ है, सब में फ्यूज नहीं रहता है, जिसमें फ्यूज नहीं रहता है उसमें ट्रांसफार्मर धुआं भी देता है, जिसमें फ्यूज रहेगा उसमें फ्यूज उड़ जाता है, तो यहाँ पे जो है देख रहे थे इस तरह से कनेक्शन किया गया है, तो यहाँ पे वही दर्शाया गया है कि आपका प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, ए आपका हो गया 5 वोल्ट सप्लाई देता है मैग्नेट्रॉन को, ठीक है, और यहां से जो है हाई वोल्ट निकलता है, तो एक आपका कैपेसिटर के दूसरे तार से जाता है मैग्नेट्रॉन पे, और एक तार कैपेसिटर पे आता है और दूसरा तार जाता है, ठीक है, एक कैपेसिटर बना हुआ है, समझ रहे हैं, तब ये डायोड है लगा हुआ जो आपको दिखाया, आपको इसी तरह से डायोड देखे बॉडी में कनेक्ट है, बॉडी मतलब आपस में काम करता है ट्रांसफार्मर के साथ में, ये डायोड आपका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए,
फिल्टर करने के लिए, वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अभी माइक्रोवेव का डोर स्विच, माइक्रोवेव का जो पूरा वायरिंग है, ठीक है, वो वायरिंग कैसे किया रहता है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे, इसीलिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।